हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साहिबा कुकिंग में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स सॉस पास्ता। तो चलिए देख लेते हैं मिक्स सॉस पास्ता की रेसिपी। मैं एक बार आप मेरी तरह ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसमें पानी डाल लिया है। अब हम इसमें पास्ते को बॉईल करेंगे। पास्ते को बॉईल करने के लिए इसमें हम आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ऑयल डालेंगे, जिससे कि पास्ता चिपके ना और अच्छे से खिला खिला बॉयल हो। अब हम इसको पास्ता डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कटोरी पास्ता लिया है। तो अब हम एक एक करके सारे पास्ता को डाल देते हैं और इसको अच्छे से बॉयल होने देते हैं। अब हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं मसाले को बनाने की तरफ। तो मसाले को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाला है और 1 से 2 चम्मच मैं अब इसमें बटर डालूँगी। आप डायरेक्ट बटर ना डालें वरना वो जलने लगेगा। अब मैंने अपने बटर को डाल लिया है। अब हम इसको हल्का सा गर्म होने देंगे और इसके बाद हम इसमें काली सरसों का तड़का लगाएंगे। तो उसके बाद मैंने इसमें 1/2 टीस्पून काली सरसों डाली है और अब हम इसको अच्छे से फूटने तक भून लेंगे। तो अब हमारी राई हल्की हल्की ब्राउन होने लगी है। अब मैं इसमें कुछ वेजीज काट के रखी हैं जो जिसमें कि मैं इसमें डाल लूँगी। सबसे पहले तो मैंने इसमें यहाँ पे 1/2 टीस्पून ग्रीन चिली, 1/2 टीस्पून जिंजर, 1/2 टीस्पून गार्लिक को मैंने एकदम रफली चॉप कर लिया है और उसको डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 प्याज मीडियम साइज़ की और 4 टमाटर मीडियम साइज़ के, 1 शिमला मिर्च काट के रख ली है। अब मैंने इसमें प्याज को डाल लिया है और इसको हल्का सा फ्राई करूंगी और उसके बाद इसमें शिमला मिर्च भी डाल लूँगी। इसको मैं हल्का सा ऐसे चलाते हुए फ्राई कर लेती हूँ और इसके बाद शिमला मिर्च को भी डाल के दोनों को साथ में पका लूँगी। अब मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च भी डाल ली है और दूसरी तरफ हमारा पास्ता भी बॉयल हो रहा है। हम उसको भी बीच बीच में देखते रहेंगे और पास्ता बॉईल होने के बाद हम बनाएंगे सॉस। तो शिमला मिर्च और प्याज हो गई है। अब मैं इसमें टमाटर भी मैंने डाल लिया है, टमाटर को भी डाल के, टमाटर डालने के बाद मैंने यहाँ पे नमक डाल लिया है और अब मैं इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं थोड़े सूखे मसाले जो कि कुछ यूँ हैं, जिसमें कि 1/2 टीस्पून कुट्टी लाल मिर्च है और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है और आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से स्पाइसेस ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है पास्ता मसाला जो कि ये है। तो मैंने यहाँ पे 2 पैकेट पास्ता मसाला लिया है जो कि हम इसको भी काट के इसमें डाल लेंगे। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो डालें वरना स्किप कर दें। कोई पास्ता मसाला ना डालने से भी इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे 2 पैकेट डाल लिया है। अब हम इसको चला के थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि सारे मसाले अच्छे से पक जाएं और हम पास्ता को देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पास्ता बॉईल हो गया है। आप इसको पूरा ना पकाएं, 80 से 90% तक आप इसको पकाएं, 10% कच्चा रहने दें, वो पास्ते में पक जाता है। अगर आप पूरा 100% पका लेंगे तो ये पास्ते में टूटने लगता है। तो अब हम अपने सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, अब हम इसमें अपना सॉस बनाएंगे।
इसमें मैंने 1 से 2 टेबल स्पून बटर डाल लिया है। अब हम इसको हल्का गरम करेंगे और पूरे पैन में फैला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 5 चम्मच मैदा लिया है। अब हम इसको बीच बीच में चला चला के भूनते रहेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं कि आपको कितनी ज़्यादा या कम सॉस चाहिए। तो इसको हल्का सा भून के अब हम इसमें डाल लेंगे दूध। तो मैंने दूध 1 ग्लास लिया है नॉर्मल टेम्परेचर का। आप गर्म दूध बिल्कुल भी ना लें वरना मैदे की गांठें बढ़ जाएंगी। तो अब हम इसमें हल्का हल्का करके दूध को डाल लेंगे। पूरा एक साथ ना डालें वरना ठंडे और गर्म से मैदे की सारी गांठें बन जाएंगी, फिर सॉस अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं सारा दूध डाल लेती हूँ और इसको अच्छे से चला के फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने इसको अच्छे से चला लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी ऑरिगेनो। आप चाहें तो ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल रही हूँ और अब हमारी सॉस तैयार है। को इसी तरह से मिला लेंगे। अब इसको निकाल के ठंडी कर लेंगे और हमारी सॉस रेडी है। हम देख लेते हैं अपने मसाले को जो कि हमने ढाका था। तो ये देखिए हमारा मसाला पक गया है। अब हम इसमें सॉस को डाल लेंगे। हमने इसमें सॉस को डाल लिया है। अब हम इसको अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। तो हमारी सॉस बहुत ही अच्छी बनी है। आप जितनी पतली या थिक करना चाहें कर सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब हम डाल लेंगे इसमें अपना पास्ता। पास्ते को डाल के इसमें हम धीरे धीरे से मिला लेंगे। पास्ते को डालने के बाद इसको मिला लेंगे और हमारा पास्ता रेडी है। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे और हमारा पास्ता रेडी है। 2 मिनट के पकाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए हमारा पास्ता बन चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।